दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है गार्डनर्स को, वह है मिलीबग से। तो ये सामने आप देख रहे हैं, ये हमारा गुड़हल का प्लांट है और आप देखिए इसमें जो है मिलीबग का अटैक हुआ है। और यह बिल्कुल अभी स्टार्टिंग स्टेज में जो है शुरुआती स्टेज में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक चींटी भी नज़र आ रही है। मिलीबग और चींटी का जो है एक रिलेशन होता है जो सिम्बायोटिक दोनों को माना जाता है, एक टाइप का भाईचारा होता है। तो जहां आपको मिलीबग दिखेगा वहां आपको चींटी जरूर दिखेंगी, क्योंकि मिलीबग जो है एक सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट है और यह है एक सुगरी सब्टेंट, मतलब सुगर का जो पदार्थ है वह निकालते हैं जब यह है पौधों से अपना जो है रस चूसते हैं, तो उसे खाने के लिए है जो है चींटी वहां पर आती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप कैसे अपने जो पौधों पर मिलीबग के अटैक है उसे रोक सकते हैं, और अगर अटैक हो गया है तो बड़े ही आसानी से उन्हें दूर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जो नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा हिबिस्कस का प्लांट है और देखिए आप इसमें जो है अभी कहीं पर भी मिलीबग का अटैक नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने कल देखा तो इसमें मुझे मिलीबग काफी दिखे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इसका अपडेट दें। साथ में मेरे सब्सक्राइबर मुझसे बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कि सर आप मिलीबग का जो है कंट्रोल करना बताइए, क्योंकि गार्डनर्स में यह बहुत प्रॉब्लम होती है कि उनके पौधों में जो है एक बार मिलीबग का अटैक हो जाए तो यह बहुत ज्यादा प्लांट को इफेक्ट करता है और पूरे पौधे पर इस तरह से देखिए व्हाइट व्हाइट आपको मिलीबग जो है दिखने लगेंगे। तो इन्हें आप बड़े आसानी से जो है अपने पौधों से हटा सकते हैं, बस आपको सही मेथड समझनी है। इसके लिए जो हमें जरूरत होगी वह दो चीजों की होगी, जिसमें से पहली चीज है वह है शैम्पू। देखिए जैसे कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहली चीज आपको लेना है शैम्पू, और शैम्पू में जो एक चीज होती है सामने आप देख सकते हैं, ये सोडियम लॉरेल सल्फेट। तो ये जो होता है SLS, सोडियम लॉरेल सल्फेट, इसी से जो है जो मिलीबग है वह मर जाती है। और साथ में आपको लेना है रबिंग एल्कोहल, या फिर आप इस तरह से हैंड सैनिटाइजर भी ले सकते हैं। हमें दोनों का एक एक्वस सॉल्यूशन बनाना है, मतलब पानी में एक घोल बनाना है और उस घोल को हमें स्प्रे करना है हमारे जो है गुड़हल के पौधे पर। और फिर उस स्प्रे से क्या होगा कि जो एल्कोहल होगा, एल्कोहल का स्प्रे हमारे जो प्लांट के ऊपर मिलीबग का अटैक हुआ है तो मिलीबग के ऊपर एक वैक्स कोटिंग होती है, उस कोटिंग को क्या है जो एल्कोहल है वो घोल देता है, वहां पे वह उसकी वैक्स हट जाएगी और फिर आपका जो SLS है वह मिलीबग को डायरेक्ट ही अटैक करेगा और उसे किल कर देगा। तो इस तरीके से आपके प्लांट से जो है सारे मिलीबग जो है दूर हो जाएंगे। स्पेशली यह हिबिस्कस के पौधों में, टमाटर और गार्डन में बहुत सारे पौधों पर मिलीबग का अटैक होता है और काफी गार्डनर्स लगभग जो गार्डनिंग करते हैं उसमें 80 से 90% लोगों को कभी ना कभी इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो चलिए मैं आपको स्प्रे बनाकर बता देता हूँ और कैसे आपको स्प्रे करना है उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे देता हूँ। दोस्तों, आपको स्प्रे करने के लिए इस तरह का एक स्प्रेयर लेना है, जो भी आपके पास हो आप उस तरह का एक स्प्रेयर ले लीजिए। इसमें हमने 1 लीटर पानी ले लिया है और अब हम इसमें मिलाएंगे जो है 10% ही आपको मिलाना है ऐसे। तो 1 लीटर पानी में हम इसमें मिला देंगे इसको लगभग 100 ml। तो ये हमारा 25 ml का एक बार में इसमें आएगा, तो इस तरीके से हम इसको लगभग चार ये लगभग हमने चार जो है ml चार ढक्कन डाल दिए, तो 25 ml से तो ये 100 ml हो गया। अगर आपके पास रबिंग एल्कोहल नहीं है तो आप केवल शैम्पू, अकेले शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे हमें 1 लीटर में मिलाना है 2 से 3 ml, ज्यादा नहीं मिलाना है। तो देखिए इतना काफी है, केवल हमें इसका जो है 1% लेना है। तो जैसे 1 लीटर में आप 10 ml तक ले सकते हैं, लेकिन मेरे में जो प्लांट है उसमें कम अटैक है तो मैं थोड़ा सा और
इसमें ऐड कर देता हूँ। लीजिए तो लगभग ये 10 ml के आसपास हमने ले लिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम करेंगे इसे अपने पौधे पर स्प्रे। आपको अच्छे से स्प्रे करना है अपनी पत्तियों के ऊपर भी और नीचे भी। स्प्रे करते समय ध्यान रखें कि स्प्रे को अगर आप इवनिंग टाइम में करें तो ज़्यादा अच्छा है। और इस तरीके से जितनी भी आपको मिलीबग दिख रही हैं आपको सब पर अच्छे से जो है स्प्रे कर देना है। स्पेशली जहाँ पर मिलीबग ज़्यादा अटैक आपको दिख रहा है वहाँ पर अच्छे से इस तरह से पूरे प्लांट में आपको स्प्रे कर देना है। जैसे यहाँ पे आप देखिए नीचे भी आप सभी पत्तियों पर आपको स्प्रे करना है, कोई भी पत्ती को आपको छोड़ना नहीं है। इस तरीके से आप स्प्रे कर देंगे तो जो भी मिलीबग हैं वो सारी हट जाएंगी। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ आप ये देखेंगे, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको ये देखिए यहाँ से जो है अब इसकी जितनी भी व्हाइट वैक्स थी वो हट चुकी है और आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ पूरा जो है इसका व्हाइट वैक्स निकल चुका है। अगर मैं इस पे थोड़ा सा और स्प्रे करूंगा तो देखिए अभी ये पूरा इसका जो वैक्स है वो घुल जाएगा, जो कि हमने इसमें एल्कोहल मिलाया था इसलिए ये वैक्स इसका घुल जाएगा। और इसमें जो हमारा शैम्पू हमने मिलाया था तो उससे जो है अब ये जो मिलीबग है ये पूरी तरह से मर जाएगा और इसका अटैक आपके प्लांट में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। देखिए ये जो है आप देख सकते हैं कि अब ये बिल्कुल भी डेड होने वाला है और धीरे से ये मर जाएगा। तो इस तरह जो है आप अपने पूरे हिबिस्कस के प्लांट को, जैसे आप ये देख पा रहे हैं अब हमारा हिबिस्कस का प्लांट पूरा हेल्दी हो जाएगा और इसमें किसी भी तरह का मिलीबग नहीं रहेगा। यह स्प्रे आप सभी पौधों में कर सकते हैं इसका स्प्रे आप, और स्प्रे को इवनिंग या नाइट में करें। बस आपको ध्यान रखना है शैम्पू को 1% ही मिलाएं और जो एल्कोहल है वो अगर 50% वाला मिल जाए रबिंग एल्कोहल तो आपको उसको मिलाना है 10%, उससे ज़्यादा नहीं मिलाना है। और अपने पौधे पर स्प्रे कर दीजिए और इसे नॉर्मल जहां आप रखते हैं रख दीजिए, आपके पौधे से बिल्कुल भी मिलीबग गायब हो जाएंगी और कोई भी मिलीबग इसमें नहीं बचेगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। मिलीबग को लेकर आपके कोई डाउट है तो वह भी आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और इस मेथड को ट्राई कीजिए, और अगर ये इफेक्टिव लगे तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए क्योंकि यह जो तरीका है वह बिल्कुल काम करता है। एक बार आप अपने गार्डन में ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और देखते रहिए टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।